हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नए वीडियो में। आज के हम फिर बात करने वाले हैं पोर्ट्रेट के बारे में। जैसे कि हम पोर्ट्रेट कैमरा सेटिंग को किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं, इसके बारे में बात करने वाला हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पास ये ओप्पो का फ़ोन है और आपको सबसे पहले सेटिंग पर जाना है, तो क्लिक कर लेंगे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना होगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ऊपर की साइड स्क्रॉल करना है। सॉरी फ्रेंड्स, कैमरा सेटिंग पे जाना है और यहाँ पे आपको पोर्ट्रेट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको इस तरीके का आइकन शो करेगा। आपको यहाँ पर क्या करना है, जैसे कि आप देख सकते हैं एक फ़ोटो क्लिक करनी है आपको पोर्ट्रेट में, ये देखिए। या फिर आप फोटो को क्लिक करके भी पोर्ट्रेट में क्लिक कर सकते हैं, यानी कि फोटो क्लिक कर सकते हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि और भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि मोर वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे भी आपको देखने के लिए मिलता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि आपको दिया जा रहा है माइक्रोफोन। माइक्रोफोन में आप जाएंगे तो यहाँ से हम अपना माइक्रोफोन भी यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ पोर्ट्रेट में हम एक फ़ोटो क्लिक करेंगे, फ़ोटो को आप देख सकते हैं, ये देखिए बहुत ही क्लियर आई है। और फ्रेंड्स, नॉर्मल फ़ोटो में आप देख सकते हैं, हाँ नॉर्मल फ़ोटो इतनी अच्छी नहीं आएगी जितनी कि आपकी पोर्ट्रेट फ़ोटो आ गई है। ये देखिए, ये नॉर्मल है और ये पोर्ट्रेट है। इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो उम्मीद है फ्रेंड्स वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अगर आपको कोई भी जानकारी चाहिए पीसी से रिलेटेड या फिर फ़ोन से रिलेटेड तो आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइज़।